हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अमेजिंग बुटीक। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा लेटेस्ट कुर्ती की बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये हमने फ्यूज पेपर लिया और ये हमारी फैब्रिक है जो कि इसी से हमें इस पर चिपकाकर नेक की डिज़ाइनिंग बनानी है। और ये हमारा मेन जो पार्ट होता है बैक साइड का, तो ये हमारा मेन पार्ट है। तो चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप किस साइज़ की, नेक की साइज़ क्या है, उतना आप इसकी लंबाई और चौड़ाई की मैनेजमेंट ले लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, इसे क्या करेंगे, पहले डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमने 11 इंच लंबी और ये 10 इंच चौड़ी फ्यूज पेपर लिया, इसी में हमें नेक की डिजाइनिंग ड्रॉ करनी है। तो इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसमें नेक की लेंथ देखनी है हमें किस साइज का रखना है, और इसकी चौड़ाई देखनी है हमें किस साइज का रखना है। तो इस तरह से इसे हमने फोल्ड किया। अब इंची टेप से इसकी साइज देख लेते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें नेक की जो लंबाई रखनी है वो हम देख लेते हैं, हमें कितनी साइज की रखनी है। तो वो हमें 7.5 इंच की रखनी है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो वो हमें रखनी है 3 इंच। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमें डबल स्टेप में नेक की डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ से फिर हम 3 इंच पे, 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग की, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर 3 इंच पे यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें पहले एक गोल शेप देंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें इस तरह से गोल शेप देंगे और फिर हमें यहाँ से एक डिजाइनिंग करनी है जो कि नीचे में। तो चलते हैं, नीचे में एक डिजाइनिंग ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से इसमें डिजाइनिंग को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से यहाँ से मार्किंग करते हैं। ये देखिए, तो ये हमें नीचे 3 स्टेप में ये डिजाइनिंग इस तरह से और ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्किंग किया, जिस मार्किंग पे हमें ये ड्रॉ किया है इसी पे हमें क्या करना है, कट कर लेना। तो चलते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह बराबर करके। ये हो गया, फिर यहां से इसे कट करेंगे। बिल्कुल इसी मार्किंग पे इसे कट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसे कट कर लिया। तो ये हमारी डिजाइनिंग कटिंग हो गई। ये देखिए, इस तरह से ये हमने इसकी डिजाइनिंग की है कुर्ती की बैक नेक की। अब क्या करते हैं, ये जो साइड से एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक है उसे फ्यूज पेपर जो है इसे कट करेंगे और इसे फैब्रिक पे चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जिस शेप में, उस शेप में इस तरह से मार्किंग करते हैं, ये 2 इंच हमें छोड़ते हुए, फिर यहाँ इधर की साइड इस तरह, फिर इस तरह। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर इधर की साइड इस तरह। तो ये हमारी कटिंग हुई। अब ये जो हमने फैब्रिक कट किया था उसी पे हमें क्या करना है, इसे प्रेस से चिपका लेना है। ये जो हमारी फैब्रिक है, इस फैब्रिक को क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे इस तरह, और इस पर अच्छे से प्रेस करके चिपका लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो हमने फ्यूज पेपर कट किया था नेक की डिजाइनिंग, ये हमने फैब्रिक पे चिपका लिया। ये जो स्ट्रे वाला कपड़ा जो हमारा है, ये वाला फैब्रिक, इसे कट करके हटा लेंगे। ये देखिए, तो जिस शेप में हमारी ये नेक की फ्यूज पेपर कटी हुई है उसी शेप में हमें ये डिजाइनिंग कट कर लेना है इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह। तो सारे को इसी तरह से क्या करेंगे, कट करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे कट करके हटा दिया। अब क्या करते हैं, ये जो साइड वाला है हमारा एक्स्ट्रा वाला, ये जो फैब्रिक है इसे क्या करेंगे, किनारे किनारे से स्टिच करके रेडी करेंगे। तो चलते हैं, ये सारे को स्टिच करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें किनारे किनारे स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये किनारे किनारे से स्टिच कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं, ये जो हमारी बैक साइड का जो पार्ट है, यहाँ से एक सेंटर मार्क हमने जो किया, इसी सेंटर मार्क पे एक इस, ये जो हमारी नेक की पट्टी है इस पे भी हमने एक सेंटर मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक एक रफ स्टिच करते हैं। तो चलते हैं, वो स्टिच करके रेडी करते हैं। बीच से हमें स्टिच करते जाना है इस तरह। स्टिच कर लिया, अब क्या करते हैं, इसके किनारे किनारे स्टिच करके रेडी करते हैं। तो चलते हैं, इसके किनारे किनारे स्टिच करते जाएंगे इस तरह से, सारे पे इसी तरह से जिस शेप में हमारी ये नेक की डिजाइन कटी हुई है उसी शेप में स्टिच करते जाना है। बिल्कुल हमें बराबर स्टिच करते जाना है इस तरह घुमाते हुए सारे पे। तो फ्रेंड्स, हमने ये किनारे किनारे ये स्टिच करके रेडी कर लिया। अब क्या करते हैं, अंदर वाला ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसे कट कर देंगे इस तरह से। तो सारे को जिस शेप में हमने स्टिच किया उसी शेप में इसे कट करके निकाल देना है इस तरह। तो सारे को निकाल देते हैं इसी तरह से कटिंग करके।
तो फ्रेंड्स हमने साड़ी को कट करके निकाल दिया, ये अंदर देखिए इस तरह से कटिंग हो गई। अब क्या करते हैं, इसे सीधा करते हैं, पलट के स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, हमने इसके अंदर की तरफ से इसे साड़ी को पलट लिया है अच्छे से इस तरह से यहाँ पे, और इसके ऊपर से अब क्या करते हैं स्टिच करके रेडी करते चलते हैं, इसके किनारे किनारे स्टिच करेंगे। तो चलते हैं, इसके किनारे किनारे हमें बिल्कुल स्टिच करके रेडी कर लेना है इस तरह, जिस शेप में हमारी ये नेक कटी हुई है उसी शेप में ये स्टिच करते जाना है साड़ी को। तो साड़ी को इसी तरह से घुमाते हुए हमें स्टिच करते जाना है ऊपर की तरफ इस तरह से, फिर हमें इधर की साइड घुमाना है, फिर इधर की साइड घुमाकर इधर भी इसी तरह से स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स हमने ये ऊपर से स्टिच करके ये नेक कट्टी रेडी कर ली, तो ये हमारी हो गई नेक रेडी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बटन लगाना है, सो बटन। तो चलते हैं सो बटन लगाकर रेडी करते हैं, इस तरह से हमारी नेक हो गई रेडी। अब यहाँ पे ये जो हमारा सो बटन है, ये सो बटन को यहाँ पे लगाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा छोटा वाला नीडल है, इसी से हमें सो बटन को अच्छे से मजबूती से टाक लेना है इस तरह, एक इधर की साइड से फिर इधर की साइड से लाना है इस तरह। इस तरह से दो तीन बार हमें इसे अच्छे से टाकना है, फिर इधर की साइड लाना है, फिर इधर इसमें अंदर की तरफ इस तरह से लाना है, फिर हमें इधर की साइड नीचे की तरफ निकाल लेना है। तो दो तीन बार इसी तरह मजबूती से हम अच्छे से टाक लेते हैं सो बटन। तो फिर इसे हमने अच्छे से टाक लिया, अब यहाँ अंदर की तरफ से एक गांठ बांध लेंगे ताकि ये खुले ना इस तरह, फिर हम इधर की तरफ इस तरह से ये हमने गांठ बांध इसे कट कर देंगे। तो इसे हमने कट कर लिया, तो ये हमारी नेक हो गई रेडी। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये कुर्ती की बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज का ये वीडियो बैक नेक की डिज़ाइन की पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।